बिजौली अंतर्गत बिछियापन ग्राम में रेलवे द्वारा अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया, जिसके तहत 50 से अधिक अवैध कब्जा धारकों का अतिक्रमण हटवाया गया। बहराइच जिले के विकासखंड मिहींपुरवा अंतर्गत बनग्राम बिछिया रेलवे स्टेशन परिसर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ रेल विभाग ने अभियान चलाकर जेसीबी द्वारा 2 दर्जन से अधिक दुकानों को उजाड़ दिया। रेल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 50 दुकानें अवैध अतिक्रमण में पाई गई हैं, जिन्हें हटाया गया है। वहीं आधा दर्जन परिवार के घर भी अतिक्रमण में पाए गए, जिन पर विभाग ने जेसीबी मशीन चलवाकर उजाड़ दिया। अतिक्रमण में उजाड़े गए दुकान व मकान में ग्रामीणों का काफी नुकसान हुआ। कुछ परिवार जो उसी जमीन पर सालों से गुजर बसर कर रहे थे और उसी पर आश्रित थे, वहीं उनके सर से छत चली गई, अब वो बेसहारा हो गए, जिसकी एक झलक इस प्रकार देखने को मिली, जहां महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं रेल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 3 दिन पूर्व में सूचना ग्रामीणों को दे दी गई थी, जिसके बाद विभाग को यह कदम उठाना पड़ा। मौके पर रेल सुरक्षा बल, स्थानीय पुलिसकर्मी व राजस्व कर्मी भी मौजूद रहे। पूरा घर आपको भी उजाड़ दिया क्या? सब पूरा सब उजाड़ दिया, देखो क्या करी ना। राम नाम में बिंदु को की बात जी, घर पूरा सब चप्पल वाला, घर में लड़के नहीं रहे तो कैसे उजाड़ सब पूरा, तब तक सब पूरा सब तोड़ दिया, नल के चौतरी होती है जिसको पूरा घर उजड़ गया आपका। नल बताया, नल मंदिर छोटे छोटे बच्चे हैं, नल वाल सब पूरा तोड़। पहले से बताया गया था आपको? बताया तो दो बच्चे हमारे वहाँ, आप कैसे लेटी हैं? हाँ बताया तो गया था, तो घर में लड़के नहीं था किससे मुझवा ली, तो जब तक कोई ना पिला सुला सुला वाला ना कुछ खनता होता तब तक उतनी देर में सब पूरा सब सगी राशमी है। तो ये जो अतिक्रमण में घर उजाड़ा गया, दुकान उजाड़ी गई है, तो इसमें आपका भी घर है? जी हमारा घर ये था, ये यहाँ से वहाँ तक था, पूरा 3 दिन से तोड़ दिया इन लोगों ने, टाइम मांगा तो टाइम भी नहीं दिया, शहरा सभी टाइम नहीं दिया हमको कि ये है कुछ बचा ले अपना सामान। पहले से कोई नोटिस वगैरह? कोई नोटिस नहीं दी थी। क्या क्या सामान में नुकसान हुआ आपका? नुकसान के साथ सारी 3 दिन कुछ नहीं बचा, घर के अंदर जो भी सामान था तोड़ फोड़ दिया है। अच्छा, कितने का नुकसान होगा लगभग? अरे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। आपके साथ कोई और भी घर उजाड़े गए हैं अगल बगल? और बगल में एक हमारे तिलक भाई जी का घर है और जो एक प्रेम भाई का, एक अजहर भाई का थोड़ा तो थोड़ा गया बस, बाकी तो मेरा तो पूरा तहस नहस कर दिया गया। ये रेलवे परिसर में अवैध रूप से सॉफ्ट एनक्रोचमेंट कोई पक्का नहीं था, है ना, उसको हटाने का अभियान चलाया गया, जिसमें 50 सॉफ्ट एनक्रोचमेंट लगभग हटा दिया गया है, जो कि सहायक मंडल में महिला भी बैठते हैं उसके नेतृत्व में हुआ है। 50 लगभग एक दिन का प्रोग्राम था ये? हाँ एक दिन का है ये, 3 दिन का कितने दिन का? एक दिन का है, बाकी बराबर किया जाएगा, जो मिट्टी है कुछ और इधर हमारा अपना काम है, इसको बराबर GM साहब 29 तारीख को पढ़ा रहे हैं, उसका निरीक्षण भी है जी। कितने तारीख को निरीक्षण? 28 तारीख। बिछिया रेलवे स्टेशन पे जो नवीनीकरण हो रहा है ये कब तक चलेगा? ये चलेगा, काम चलेगा। क्या क्या होगा इसमें? इसमें टाइल्स लगेंगे और बड़ा फंड में पोर्टिको बनेगा, एक उसके लिए प्रपोजल भेज दिया गया, रोड बनेगा, यहाँ बैठने का जैसे छाजन वगैरह बनेगा, लेडीज के लिए टॉयलेट बनेगा, है ना, ये सब काम है, कुछ अपग्रेडिंग होगा, ये सब को तोड़ दिया जाएगा, फिर नए सिरे से।